क्रेन की चपेट के आने कारण एक व्यक्ति की जान चली गई है। दरअसल स्कूटी के उत्ते सवार होकर एक व्यक्ति आ रहा सी, तां सामने तो आ रही क्रेन ने उसनू अपनी चपेट दे विच लै लिया, जिसके व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस तो हैरानी वाली गल ये सामने आई है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है ठीक कुछ महीने पहला ही इसके बेटे की भी जान चली गई सी, ते हुण प्यो भी जो है वह चल वसिया। तो परिवार के उत्ते दुखों का पहाड़ टुटिया। करनाल तो एक खबर सामने आई है, पुलिस मौके के उत्ते पहुंची है ते मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो दस दिए कि क्रेन का चालक मौके तो फरार दसया जा रहा है। तो अचानक ही कहा जा रहा है कि जदों स्कूटी सवार आ रहा सी तां सामने तो आ रही क्रेन उसनू अपनी चपेट दे विच लै लैंदी है, जिसके कारण कहा जा रहा है कि क्रेन का एक टायर उस व्यक्ति के उपरों निकल जाता है। हालांकि हादसा इन्ना भयानक सी कि मौके पर ही व्यक्ति की जान चली गई है। तो दस दिए कि कुछ महीने पहले ही इस व्यक्ति का बेटा भी इस दुनिया नू अलविदा कह गया सी, ते हुण कुछ महीने बाद ही प्यो भी चल वसिया है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस जो है क्रेन चालक की भाल कर रही है, ते मामला दर्ज करके अगली जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ पर देखा जी हाइड्रा के नीचे मतलब है एक बंदा डेड हालत में पड़ा था। मैंने देखा इसको हाथ उठ लगा के इसमें कोई सांस नहीं था। मैंने फोन थाने में मिलाया, थाने में फोन कराया, थाने में सूचना मिलते सर यहाँ पर पहुँच गए जी। उसको अब एम्बुलेंस में लेके बस्ताड़ा का रहने वाला हो, वो बस्ताड़ा का रहने वाला बता रहे। मौके पर मौत होगी, मौके पर मौत होगी जी। गलती पता चली किसकी कारण हुआ जी? कोई हाइड्रा वाला ड्राइवर नहीं था मौके पर जी, कोई नहीं था जी मौके। तो ड्राइवर हाइड्रा छोड़ के भाग गया? वो भाग गया जी, छोड़ के पहले ही भाग गया जी। हमने नहीं देखा जी, हमें तो सिर्फ वही बंदा देखा उसकी एक्टिवा नीचे देखा। एक सरपंच गांव मुबारकाबाद के धर्मवीर ने सर सूचना दी थी कि भाई होटल के पास ना एक हाइड्रा है, स्कूटी सवार के ऊपर पहिए चढ़े हुए हैं। तो हम मौके पर पहुंचे जी, ERB 412 भी आ गई थी जी, और अब पता करें इसके फोन, इसका फ़ोन था इंजर्ड का, इसके फ़ोन से कॉल आई, फोन तो स्वीच लॉक था इसका, तो कॉल आई, कॉलर जिसे कॉल सुनी तो उसने बताया ये जो मृतक है इसका नाम है राकेश पुत्र कलीराम, ये धीमान है, गांव बस्ताड़ा रहने वाला है और गोरुंडा में रहता है। कोई निजी काम से किसी आया होगा और इन्होंने इसका मोबाइल नंबर भी बताया 9813478। स्कूटी यहीं खड़ी है इसकी सर? हाँ, स्कूटी इसकी यहीं खड़ी है। पता चला गलती किसकी है, कैसे एक्सीडेंट हुआ? अभी तो देखते हैं जी, जो मौका देखे तो इसके अंदर जो स्कूटी के हाइड्रा जो होना उसके ऊपर चढ़ा हुआ था पूरा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और कलर ने यह भी बताया कि भाई इसके साथ तो बड़ी घटना घटी, वो 3-4 महीने पहले का लड़का था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, बिजली करंट लगने से एक्सपायर हो गया था एक लड़का था। और मतलब इसी के बेटे की पहले मौत हुई? पहले मौत हुई, 3-4 महीने का था वो, 3-4 महीने पहले, जवान लड़का।